नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची। टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर तहसील के ग्राम भोलापुरा में बीती रात एक व्यक्ति को अजगर सांप ने जिंदा निगलने की कोशिश की, जिससे युवक की हालत गंभीर हो गई और बिगड़ती ही जा रही है। लेकिन परिजनों द्वारा युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाने की बजाय गांव में ही झाड़ फूंक कराई जा रही है और गांव वालों ने अजगर सांप को भी कैद कर लिया है। बताया जा रहा है कि पृथ्वीपुर के भोलापुरा गांव का रहने वाला कैलाश अहिरवार अत्यधिक गरीब है और रातों अपने कच्चे घर में जमीन में ही बिस्तर लगा के सो रहा था। तभी अचानक कहीं से अजगर सांप आया और कैलाश को अपने शिकार बनाते हुए उसका हाथ निगलने लगा, जिससे कैलाश की नींद खुल गई और उसने सांप को देख लिया। फिर परिजन और पड़ोसियों की मदद से उसने सांप को मच्छरदानी से पकड़कर बंद कर लिया। लेकिन सुबह होते होते कैलाश की हालत जब बिगड़ने लगी तो उसके परिजन कैलाश को पास के झाड़ फूंक करने वाले गुनियों के पास जहर उतारने के लिए ले गया, जहां गुनियों द्वारा झाड़ फूंक की जा रही है। लेकिन पीड़ित की हालत बिगड़ती जा रही है। गांव वालों द्वारा झाड़ फूंक का वीडियो भी वायरल किया गया, लेकिन परिजन उसको अस्पताल लाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।